रविवार को राजस्थान में मॉनसून ने एंट्री कर ली है। राज्य में मॉनसून 2 से 4 दिनों में एक्टिव हो सकता है। मॉनसून ने भरतपुर, कोटा, झालावाड़ के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है। हालांकि राज्य में भले ही इस बार मॉनसून के देरी से आने की भविष्यवाणी की जा रही थी, जो अब फेल साबित हो चुकी है। मॉनसून ने अपने निर्धारित समय से केवल 1 दिन की देरी से ही राज्य में प्रवेश किया है। इस मॉनसून सीजन में बारिश सामान्य या उससे कम होने की संभावना है। वहीं सीकर में इंद्रदेव मेहरबान है। बादलों की आवाजाही के बाद देर रात जिले में बरसात का दौर जारी है। बरसात के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। शहर के नवलगढ़ रोड लोहारू बस स्टैंड पर पानी भरने से दुकानदार अपनी दुकान तक नहीं खोल पा रहे हैं। घरों में भी पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बता दें कि भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। मौसम केंद्र जयपुर ने 26 से 28 जून तक राजस्थान में अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है। दक्षिण राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज 24 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।